हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल जो है वो NCERT बुक से है, यानी कि जो आपका चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है NCERT बुक का, जो उसमें न्यूमेरिकल दिया गया है वो न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। देखिए, आपके NCERT बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं में से मैंने एक न्यूमेरिकल को चूज किया है जो कि 2-3 स्टेप में सॉल्व होगा। अब देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। देखिए, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये आपको कंडीशन दी गई है। ए, आपको क्या ज्ञात करना है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्यों ज्ञात करना है आवेश, ठीक है, आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं। बी, देखिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी कि गोले के पृष्ठ से निर्गत जो टोटल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहले हमें करना क्या है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है, जो कि दिया गया है वैल्यू उसको लिखना है, फिर हमें सोचना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है व्यास 2.4 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे व्यास। व्यास इक्वल टू हमें दिया गया है 2.4 मीटर, ठीक है, एम। अब देखिए हमें करना क्या है, व्यास अगर दिया गया है तो हम त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, त्रिज्या जिसे हम लोग रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, तो आर से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको स्मॉल आर भी मिल जाएगा। तो देखिए, आर इक्वल टू होता है व्यास बटा 2, सभी को पता होगा व्यास बटा 2। तो व्यास कितना दिया है, 2.4 बटा 2, ठीक है। अब देखिए हमारा फाइनली आर कितना आ गया, जब इसको हम भाग देंगे तो 2×2=4, यानी कि 1.2 मीटर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, त्रिज्या। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इस गोले का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें सिग्मा दिया गया है, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको हम लोग नोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया गया है रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू हमें इतना दिया गया है। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, तो इसका माइक्रो कूलाम है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 80×10^-6, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जो माइक्रो आपका था वो आपका कूलाम में बदल जाएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 80×10^-6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए, बहुत ही इजी है। अब देखिए हमें यहाँ पर पहले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए क्या कहा गया है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो आवेश हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इस फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, ठीक है। तो देखिए हमें सिग्मा पता है, यहाँ पर देखिए सिग्मा पता है, हमें आवेश निकालना है तो ए भी तो पता होना चाहिए, क्षेत्रफल भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला जो होता है उसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो गोले के क्षेत्रफल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और कैपिटल ए इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो होता है 4πr², ये गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बस यहाँ पर सिग्मा और ए की वैल्यू हम रख देंगे, क्यू आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को लिया था, ताकि थोड़ा ये हार्ड है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। अब देखिए ए इक्वल टू 4 ऐसे ही रहेगा आपका, इंटू पाई की वैल्यू सभी को पता है कितना होता है, 3.14, ठीक है, और गुड़े आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.2, तो 1.2² ठीक है। समझ में आ रहा है, आना चाहिए, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब देखिए ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 से इसको गुणा करेंगे 3.14 से, तो 4×16=6, 4×5=10, 4×3=12, तो 12.56 आ जाएगा, ठीक है। गुड़े 1.2² करेंगे तो आएगा 1.44, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देते हैं,
तो 12.56 गुणे 1.44 जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 18.0864 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं चाहें तो। देखिए 18.086 मीटर स्क्वायर, चार चाहे हम ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें ए भी पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है। पहला स्टेप देखिए हमें क्या निकालना है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निकालना है क्यों। ठीक है, क्यों हमें निकालना है, तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्यू की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, तो देखिए क्यू हमें निकालना है, सभी को पता है। अब देखिए यहां पर हम करेंगे क्या, इस क्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। देखिए सिग्मा और इसका गुणा हो जाएगा, तो सिग्मा गुणे ये और क्यू इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, क्यू निकाल लेंगे, ये फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, पहले हमें ए वाला सॉल्व करना है, तो देखिए क्यों अब हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, ऊपर मैंने लिखा था ये 80×10⁻⁶ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 80×10⁻⁶। अब देखिए गुड़े ए की वैल्यू हमने अभी निकाली है 18.086, अब इसी का हम गुणा कर देंगे, तो देखिए अब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो क्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा, पेज मैंने चेंज किया है, तो 80 और 18.086 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1446.912। ठीक है, और गुणे 10⁻⁶ आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए काम हम कर सकते हैं, इसको शुद्ध रूप लिख सकते हैं, तो शुद्ध रूप हमें लिखना है तो एक के बाद दशमलव लगाना है। ठीक है, तो इस दशमलव को हम एक के बाद यानी कि तीन अंक इधर लाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1.4। अब इस चार को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि चार के बाद वाली जो गिनती है वो 6 है, 5 से बड़ी है, तो एक हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, बाकी आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 10⁻⁶, अब हम तीन अंक इधर गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, गुड़े 10³, जितने अंक हम इधर जाएंगे उतने अंक हमें ऊपर प्लस में कर देना है। ठीक है, मान लीजिए हम इधर से इधर आते तो माइनस में करते। ठीक है, अब देखिए आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1.45×10⁻⁶, ये माइनस 6 है, माइनस 6 में से 3 जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है। ठीक है, माइनस वाला जो पावर है वो बड़ा है, तो इतना आपका हो जाएगा कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम, तो ये आपका आवेश निकल चुका है। तो ए आपसे पूछा गया था कि आवेश कितना होगा, तो इतना होगा। यहां पर अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी गिनती को हमें इसको शुद्ध करना है तो इसके बाद अगर 5 से बड़ा अंक है तो उसमें हमें एक ऐड कर सकते हैं, तो 1.45 हमने कर दिया। ठीक है, तो आवेश तो हमारा निकल गया। अब एक चीज और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फाई ई। ठीक है, पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने आपको भी दिखाया है। ठीक है, तो फाई ई हमें ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए फाई ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है, फाई ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि विद्युत फ्लक्स इक्वल टू आवेश बटा निर्वात की विद्युत शीलता। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। अब देखिए यहां पर फाई ई हम निकाल लेते हैं, फाई ई इक्वल टू ये हम बी वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू, क्यू आपको अभी हमने यहां पर निकाला है, देखिए 1.45×10⁻³, देखिए यहाँ पर हमने भी निकाला है। ठीक है, अपान ये जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युत स्थिरता, याद रखिएगा इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपको याद रखना है 8.85×10⁻½ होती है, सभी को याद रखना है। ठीक है, तो ये इसकी इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 8.85×10⁻½। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू, ये देखिए दो अंक के बाद यहां पर दशमलव, दो अंक के बाद यहां पर, तो दशमलव आपका कट सकता है, काट देंगे 145/885 लिख देंगे। ठीक है,
गुड़े 10 के पावर माइनस 3 है। अब नीचे 10 के पावर माइनस 12 है, तो नीचे से अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो अगर नीचे माइनस में 12 है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, तो गुड़े 10 के पावर 12, ठीक है। अब देखिए फाइ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको हम आपस में भाग दे देते हैं, तो आपका जब भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.01638 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 है, ये प्लस 12 है, तो प्लस वाली गिनती जो है वो बड़ी है, तो हम आंसर प्लस में ही लाएंगे, ठीक है। तो 10 के पावर 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 10 के पावर 9 आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 12 है प्लस में है वो बड़ा है 3 से, और माइनस प्लस माइनस होता है तो आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो phi इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए अब यहां पर दशमलव लगा है, हमें इधर एक अंक ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, एक पावर घटाना होगा, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1.6, और देखिए 3 के बाद 8 है तो ये 5 से बड़ा है 8, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो 1.64 गुड़े 10 के पावर 9 है, ठीक है, और गुड़े 10 के पावर माइनस 1 हम लिख देंगे क्योंकि एक अंक हम इधर आए हैं, ठीक है। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फाइ इज इक्वल टू 1.64 गुड़े 10 के पावर 8, ठीक है, और इसका मात्रक होता है विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अतः दो चीजें आपसे पूछी गई थी, दोनों हमने यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। एक तो पूछा गया था कि आवेश ज्ञात कीजिए गोले पर, तो आवेश हमने यहाँ पर निकाला 1.45 गुणे 10 के पावर माइनस 3। एक पूछा गया था आपसे कि विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, तो हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका होगा, अगर यह पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कितने लोगों को ये न्यूमेरिकल पहले से ही पता था कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितने लोगों को ये न्यूमेरिकल नहीं पता था वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं।